अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं अपना वही जाना पहचाना प्रोग्राम जायके देश देश के। आज जुमातुल मुबारक है, रमज़ान शरीफ का पहला जुमा है और इसी मुनासबत से मैंने आज जो रेसिपी सिलेक्ट की है थोड़ी मीठी है। मैंने कहा क्यों ना, जुमे का दिन है तो कुछ हम मीठा बनाएं ताकि सुन्नत को उजागर किया जाए, थोड़ा सा सुन्नत की भी यहाँ पर पैरवी की जाए। मीठा जो है वो बैड वाला मीठा नहीं है, हेल्दी मीठा है, क्योंकि सेहत जो है वो हमारी फोरमोस्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो रमज़ान की मुनासबत से आज मैं बना रहा हूँ फ्रूट योगर्ट। अच्छा, फ्रूट योगर्ट बनाने के नाज़रीन बहुत से तरीके हैं, इंडिविजुअली भी बनाया जाता है इसको, मतलब आप कोई एक फ्रूट लेके उसके साथ भी बना सकते हैं, मगर यहाँ पे जो मैंने रेसिपीज अपनी थोड़ी सी मॉडिफाई की है उसमें मैं तीन तरह के फ्रूट्स यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी भी मैं आपको मिथ बताता चलता हूँ कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, कोई भी ऐसी चीज़ या दालें पल्सेस जो हैं उनको हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ किया करें। एक्चुअली होता ये कि हर फ्रूट में कोई ना कोई एसेंशियल विटामिन होता है। जब आप एक फ्रूट खा रहे होते हैं तो उससे आपको वो एक विटामिन जो है वो अबंडेंस में मिल रहा होता है और दूसरे से आप जो डिप्राइव हो रहे होते हैं। सो अगर आप दो तीन फ्रूट्स को मिक्स करके एक बोल बनाएं और उसकी सर्विंग लें सो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स लेके आता है बजाय इसके कि आप सिंगल फ्रूट खाएं। इसी तरह दालों के बारे में भी कहा जाता है कि दो तीन दालें मिला के यूज़ की जाएँ, छिलके वाली और धुली हुई दालों को मिला के यूज़ कर लिया करें ताकि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर जो एसेंशियल प्रोटीन्स हैं वो आपको जो हैं सब दालों में से मिलेंगी। सो इसी तरह तरीके से आज जो मैं फ्रूट योगर्ट बना रहा हूँ उसमें मिक्स फ्रूट्स हैं। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे आड़ू लिए हैं टिन के। अच्छा, अगर आप फ्रेश लेना चाहते हैं तो उनको आप, कोई से मुजायका नहीं, फ्रेश तो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है। उसको आप थोड़ा सा शुगर सिरप में पका के सॉफ्ट कर लें ताकि दही के अंदर वो आपको सख्त और खट्टे ना लगें बल्कि उसका स्मूथ सा टेक्सचर आए, क्योंकि ये फ्रूट योगर्ट है, इसको टेक्सचर के साथ दही सॉफ्ट है तो आपके फ्रूट्स भी सॉफ्ट होने चाहिए। इसके अलावा पाइनएप्पल है, मैं दो तीन रिंग्स लूँगा और उसको चॉप करूँगा इनटू फाइन चंक्स। इसके अलावा मीठा करने के लिए ये आपकी चॉइस पे है आप कितना मीठा पसंद करते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो दो टेबलस्पून या तीन टेबलस्पून आप इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो मेरे पास दही है वो स्वीटेंड है, जो डब्बे का दही होता है। एक और चीज़ जो इसके लिए ज़रूरी है, दैट इज़ जेलेटिन। ये एक सेटिंग एजेंट होता है जी, जिस तरह किसी चीज़ को जमाने के काम आता है, जस्ट लाइक जेली। तो ये जेलेटिन को हम डिसॉल्व करेंगे। इसका भी मेथड मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि सही प्रॉपर मेथड क्या है जेलेटिन को डिसॉल्व करने का। और एक और फ्रूट जो जाएगा, दैट इज़ सीजनल फ्रूट, मैंगो। अच्छा जी, मैंगो जो है उसको भी मैंने डाइस कट कर लिया इनटू नाइस क्यूब्स। दही है मेरे पास 2 कप। अच्छा, इसमें से मैं सारी नहीं यूज़ करूँगा, थोड़ी सी मैं निकाल लूँगा क्योंकि मैंने स्मूदी यहाँ पर बनानी है। सो ये काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, वैसे 2 कप आपको रेसिपी के लिए चाहिए। स्टार्ट करते हैं जी अपना प्रोसेस। सबसे पहले आपने दही को बीट करना है। अच्छा, दही मैंने आपको जैसे कहा कि मैं थोड़ा सा इसमें से निकाल लूँगा स्मूदी के लिए, तो यहाँ पे हम दही को सेकंड रेसिपी, अच्छा हाँ सॉरी, कभी कभी भूल हो जाती है, मैंने आपको सेकंड रेसिपी नहीं बताई। मैं इसके साथ एक स्मूदी बनाऊँगा यहाँ पे, दैट इज़ ब्रेकफास्ट स्मूदी। अच्छा, नाश्ते में कई लोग हैवी नाश्ता करना पसंद नहीं करते या सैलरी में उठ के उनका खाने को दिल नहीं करता, रात को काफ़ी ओवर ईटिंग की होती है, तो आप जैसे ये एक ग्लास स्मूदी का ले लें तो आपका पूरा दिन जो है वो फुलिंग गुजरेगा और आपको फुलनेस की फीलिंग रहेगी। सो इसके लिए आपने सबसे पहले एक बनाना लेना है, थोड़े से आड़ू लेने हैं और उनको दही, ऑरेंज जूस और दूध के साथ ब्लेंड कर देंगे। ये इन दी एंड मैं आपको बताऊँगा कि कितनी कितनी रेशियोज़ में चाहिए, बट अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रूट योगर्ट। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है सायरा की, वो कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक है। आप प्रोग्राम देख रही हैं मेरा? हाँ जी, मैं देख रही हूँ सर। मैंने केक बेक करने के बारे में पूछना था। जी जी, पूछिए सर। मैंने, हम लोग माइक्रोवेव है ना हमारे घर में, जी जी, तो वो सेंटीग्रेड वाला नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है, तो कितने मिनट तक हम केक को बेक करने के लिए रखें? वो काफी मैं रखती हूँ ना, जब तो सख्त हो जाता है अंदर से। अच्छा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर माइक्रोवेव आप यूज कर रही हैं, माइक्रोवेव में बटर केक्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे बनते हैं, जो प्लेन केक जिस तरह पाउंड केक यूज करते हैं मार्केट से लेके, जी वो केक बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स ऑन हाई स्कोप चलाना होता है, ठीक है? अच्छा, जो आपका मैक्सिमम हाई डिग्री का जो भी उसमें डिजिटल सिस्टम है या आपका नॉब है उसको हाई पे करें, मैक्सिमम पे, और उसके टाइमिंग जो है वो 5 to 6 मिनट्स के सेट करें, ठीक है? जनरली अगर आपका बेकिंग पैन जो पायरेक्स का अगर शेलो पैन है तो 5 मिनट में हो जाएगा, अगर थोड़ा सा डीप पैन हो तो 6 मिनट्स में आपका केक जो है रेडी हो जाएगा। और आप अगर माइक्रोवेव अंदर घूम रहा होता है आपको नजर भी आएगा लाइट में से कि आपका केक राइज हो गया और वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? ठीक है, और कोई क्यूरी आपके प्रोग्राम के बारे में कराए देना चाहें? ओके जी, कॉल जो है वो
खत्म हो गई है और हम अपना काम स्टार्ट रखते हैं। देखिए जी, स्मूदी के अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी है, सॉरी योगर्ट के अंदर। इसको आप मिक्स करें। अब इसके साथ साथ कटिंग पे आ जाते हैं। ये आड़ू मैंने आपको जैसे बताया 10 के, इसमें से मैं 4 पीस लूँगा आड़ू के। अच्छा, ये कटे हुए हैं मेरे पास। वैसे जनरली होल पीचेस भी मिलते हैं, तो आप 4 हाफ यूज़ करें, यहाँ पे मैं ये 6 यूज़ कर लूँगा। ठीक है जी, कुछ हम गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जस्ट इसको चंक्स में चॉप करना है और आपने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, फ्रूट कंटेंट जितना मर्जी आप डालें, ये अब आपकी अपनी चॉइस पे है, मगर बहुत ज़्यादा इसको भर ना दीजिएगा फ्रूट से कि वो आपको बिल्कुल एक थिक सी कोई फॉर्मेशन उसकी नज़र आए। बेसिकली ये योगर्ट है, आपने इसको खाना है, तो आपने इसके अंदर फ्रूट्स उस तरह ही डालने हैं जिस तरह आप किसी दही के अंदर किसी चीज़ को डाल के खाते हैं। दही बड़े के अंदर भी दही बड़े मुनासिब डाले जाते हैं और दही ज़्यादा होती है, इसी तरीके से फ्रूट्स भी इसी तरह डाले जाते हैं जिस तरह एक दही बड़े की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो अब सभी मैंने आड़ू चॉप कर लिए, इसको मैं इस बोल में साथ साथ ही हम डालते जाएंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। ठीक है जी, ये हमारा चला गया। अच्छा जी, पाइनएप्पल्स के रिंग, 3 रिंग मैंने आपको कहा है, 3 रिंग हम लेंगे पाइनएप्पल के। इसको इस तरह रख के सर्कल में और इसको काटते जाएं। जितने बड़े चंक्स आपको पसंद हैं उस तरह डालें, मगर ये कि बाइट साइज होने चाहिए ताकि आपके स्पूनफुल में अच्छे छोटे छोटे चंक्स आएँ आपको पाइनएप्पल के। ठीक है जी, ये हमारा पाइनएप्पल भी चॉप हो गया, ये इसके अंदर चला गया। अच्छा ये, अच्छा जी मैं अब इसके अंदर मैंगो ऐड करता हूँ। आप जाएँ छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आके मिलते हैं और बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जेलेटिन को मेल्ट करना है, वो ब्रेक से आके करेंगे, तो वापस आइए छोटी सी ब्रेक से। Allahumma salli ala